యెహోవా ఎలియోన్ సృష్టికర్త మేరా పితా బన్ గయా యెహోవా ఎలియోన్ సృష్టికర్త మేరా పితా బన్ గయా అబ్తో మే लुका लिखा सुख समाचार उसका 8:22 आमेन हालेलुया। यहां कहते एक दिन, आमेन। कौन सा दिन ने लिखा नहीं है, यहां कहते एक दिन उसने अपने चेलों से कहा चलो झील के उस पार चलते हैं, आमेन। कहा चलो झील के उस पार चलते हैं। जैसे यीशु ने चेलों को कहा कि उस पार चलते हैं, चेलों ने वहां वचन में लिखते तुरंत क्या किया, अपने नाव खोल दिया। हम सबको यीशु एक जहां से दूसरी ओर ले जाना चाहता है, आमेन हालेलुया। इस जीवन से आनंद जीवन में ले जाना चाहता है, आमेन हालेलुया। और जैसे वो वचन हमारे पास आया, आमेन हालेलुया। कौन सा वचन, यीशु हमें अनंत काल का जीवन देने वाला है, आमेन। वो हमें स्वर्ग ले जाने वाला है। हम सब ने क्या किया, अपने नाव खोल दिया। किस उम्मीद के साथ हम नाव खोला है, यीशु ने कहा है, आमेन। क्या है, उस पार ले जाएंगे। जब यीशु ने कहा उस पार ले जाएंगे, यीशु ने कहा आनंद जीवन में ले जाएंगे, तो हमें कोई चीज का चिंता नहीं है, हमें कोई चीज करने का जरूरत नहीं है। हमें केवल क्या काम करना है, हमारे नाव को जरा खोलना है, आमेन हालेलुया। आज कितने लोग अपने नाव को खोलने को तैयार है। ऐसे कहानी है कि कहते हैं कि दो व्यक्ति, आमेन, शराब पी के झील के पास आया और उनको झील को पार करना था। उन्होंने एक नाव देखा, उन्होंने क्या किया, नाव में बैठा और पूरा रात क्या करते रहा, पंगा चला रहा था, पूरी रात चला रहा था। जब सवेरे हुआ तो क्या देखा, उधरी है। कारण क्या था, नाव खोला नहीं था, आमीन। हम लोग अपने मसीह जीवन में कितनी बारों नाव को खोला है। क्या आज भी हम वही अवस्था में है जहां परमेश्वर ने हमें बुलाया था, आमीन। वही सोच विचार में है क्या, वही भावना में है क्या, वही विश्वास में है क्या, क्या वहां से हम आगे की ओर बढ़े, आमीन हालेलुया। आज सुबह वचन जब पढ़ रहा था, आमीन हालेलुया, सिमसोन के वचन में एक ध्यान आया, आमीन। दलीला नाम की एक स्त्री था जो हमेशा सिमसोन को पूछता था, तेरा शक्ति का रहस्य क्या है, तेरा शक्ति का रहस्य क्या है, आमीन हालेलुया। तो मेरा विचार आया, आमीन, क्या शत्रु को पता नहीं उसका शक्ति का रहस्य क्या है, आमीन। शत्रु को पता नहीं है क्या सिमसोन का शक्ति का रहस्य क्या है, हकीकत में पता नहीं था, आमीन। हमें लगता है शत्रु को हमारा शक्ति का रहस्य मालूम है, पर उसको शक्ति का रहस्य नहीं पता था। क्यों नहीं पता था, वचन में कहते हो नासरी थी, आमीन हालेलुया। नासरी कौन है, जिसको परमेश्वर के लिए अलग किया गया है, जिसको दुनिया से अलग किया गया है, वो एक सेपरेशन का जिंदगी जीता है, आमीन। यदि हम भी पाप और अंधकार से सेपरेट होके जिएंगे, अलग होके जिएंगे, तो हमारा रहस्य उसे पता नहीं चलेगा, आमीन। हमारा शक्ति का रहस्य कैसे पता चलते हैं, आमीन। आधे समय हम परमेश्वर के साथ हैं, आधे समय हम दुनिया के साथ हैं, आमीन। आधे समय हम पवित्रता में जीते हैं, आधे समय हम पाप में जीते हैं। जब यहां से वहां जाते हैं तो हमारा शक्ति का जो रहस्य है वो भी खुलने लगता है, और शैतान को पता चलते, शत्रु को पता चलते इसकी शक्ति का, आमीन हालेलुया, इसकी सामर्थ का रहस्य क्या है, आमीन। यदि इन दिनों में, आमीन, हम अलगताई का जीवन जिएगा, आमीन हालेलुया, शत्रु से एकदम डिस्कनेक्ट रह के रहेगा, पाप से हम अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देंगे, आमीन, तो उसको हमारा रहस्य नहीं पता चलेगा। तो यहां वचन में कहते जैसे यीशु ने कहा, उन्होंने क्या किया, नाव को खोल दिया। इन दिनों में हमें भी क्या करना है, अपने नाव को जरा खोलना है, आमीन हालेलुया। अपने सोच विचार को जरा खोलना है, आमीन हालेलुया। अपने आदतों को जरा छोड़ना है, जहां हम हैं वहां से आगे की ओर बढ़ना है। आगे जरा पढ़िए, आमीन। पर
बस आमीन हालेलुया. वचन कहते हालेलुया नाव खोल दिया और क्या किए वो आगे चल रहे थे. और जब नाव चल रहे थे आमीन हालेलुया यीशु सो गया. आमीन. वचन में इस प्रकार कहते मेरा परमेश्वर जो कभी सोने वाला परमेश्वर नहीं है. आमीन हालेलुया. फिर यीशु कैसा सो गया. आमीन. काफी बार काफी सालों पहले भी अपने अपने नाव को खोल दिया था उस अनंत काल के जीवन की ओर. आमीन हालेलुया. और हम क्या किए एकदम बिना चिंता का बिना विचार का आमीन हालेलुया बस चलते जा रहे. आमीन. कहीं भी यीशु को इंटरफेयर नहीं कर रहे. यीशु को कहीं भी बुला नहीं रहे अपने पास. आमीन हालेलुया. किसी चीज में यीशु को इन्वॉल्व नहीं कर रहे. आमीन हालेलुया. बोल रहे क्या है मैं विश्वासी हूं नाव मैंने खोल दिया है. आमीन. यीशु नाव पे है. आमीन. यीशु नाव में है. आमीन हालेलुया. यीशु ने मुझे आया बुलाया क्या कहा बेटा रेनी हमें कहाँ जाना है झील के उस पार जाना है. जैसे यीशु ने कहा ना भाइयों बहनों मैंने मेरा नाव खोल दिया. हम हर एक जन गवाही देते हैं ऐसे समय पे परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैं विश्वास में आ गया बपतिस्मा ले लिया मैंने मेरे नाव को खोल दिया. आमीन. क्या यीशु आज भी हमारे जीवन में आमीन जागा हुआ या सोया हुआ है. वो सोने का कारण क्या है तूने उसे बात ही नहीं किया तूने उसको किधर इन्वॉल्व ही नहीं किया. यीशु मेरा जीवन में क्यों सो रहा है मैं यीशु के पास किधर जाता नहीं है कुछ बोलता नहीं है उसको इन्वॉल्व नहीं रखता है तो यीशु मेरे जीवन में सोए जाएगा. आमीन. लेकिन आज यहां मुझे कहना क्या है. आमीन. उसके आगे जरा पढ़िए 24 आमेन हालेलुया. अब यहां देखिए आमेन हालेलुया. इन चेलों के जीवन में जब आंधी तूफान आया इन्होंने क्या किया वचन कहते उन्होंने यीशु को जगाया. आमेन. हम सबके जीवन में आंधी तूफान आते या नहीं आता है. आमेन हालेलुया. हम सबको परमेश्वर ने एक हालेलुया पर्पस से एक हालेलुया एक पर्पस के साथ बुलाया एक उद्देश्य के साथ बुलाया है. उद्देश्य के साथ बुलाया इसका मतलब यह नहीं हमारे जीवन में आंधी तूफान नहीं आएगा. पुराना नियम इस प्रकार कहते हैं मूसा को परमेश्वर ने एक पर्पस एक उद्देश्य के साथ बुलाया और कहां भेजा मिस्र में भेजा. क्यों भेजा वहां से इसराइलियों को स्वतंत्र करने के लिए आजाद करने के लिए छुड़ाने के लिए. आमीन. इसका मतलब ये नहीं था उसका रास्ता सब खुला हुआ था. आमीन. हम वचन में क्या देखते जैसे ही आमीन वो बाहर निकलते सबसे पहले उनके सामने क्या खड़ा है एक लाल समुंदर खड़ा है. आमीन हालेलुया. उनका रास्ता रोका हुआ है. जैसे वो बाहर निकल के कुछ दूरी पे गया तो उनका रास्ता रुका हुआ था. भाइयों और बहनों मैं कहना चाहूंगा आपसे भी हालेलुया जब हम मसीह जीवन में आगे की ओर बढ़ता है. आमीन हालेलुया. जिस संसार को जिस पाप के स्वभाव को हम छोड़ के आता है वो हमारे आगे के जीवन को रोकने को देखता है. और वचन में वहां साफ साफ लिखा है सारे इसराइलियों ने क्या किया कुड़कुड़ाया और मूसा से क्या पूछा क्या वहां कब्रिस्तान नहीं था क्या. आमीन हालेलुया. काफी बार हम भी हमारे जीवन में पूछेंगे अरे इससे पहले के जो मेरे जीवन में किसी चीज की कमी थी क्या. आमीन हालेलुया. जब विश्वास में नहीं आया था तभी भी तकलीफें आता था तभी भी बीमारी आता था. आमीन. तभी भी मुसीबतें आता था तभी भी कर्जा आता था. आमीन हालेलुया. तभी भी शांति नहीं रहता था तभी भी डर रहता था. तब मैंने क्या सोचा विश्वास में आने के बाद ये सब पर आज भी तकलीफ है आज भी बीमारी है. आमीन. आज भी डर है. आमीन हालेलुया. जब इसराइल के हर एक जन कुड़कुड़ाने लगा वहां मूसा ने क्या किया. आमीन. उनको बोला तुम शांत रहो धैर्य के साथ खड़े रहो जिनको तुम आज देख रहे हो कल नहीं देखेगा. जो हमारा विश्वास में आने से पहले के जो वस्तु है आज भी हमारे जीवन में आता है वो जब कर्जा हमारे जीवन में आता है वो जब तकलीफ जो क्लेश हमारे जीवन में आता है जो पीड़ा जब आता है वो बीमारी जब आता है वो संकट जब आता है तो हम में से कितना लोग बोलता है आमीन हालेलुया जो मैंने आज देख रहा हूं वो मेरे जीवन में आगे नहीं देखेगा. आमीन. हम वैसे कहते हैं या कुड़कुड़ाता है. आमीन हालेलुया. वहां जब सारे लोगों ने कुड़कुड़ाया मूसा ने उनको सामर्थ दिया और मूसा परमेश्वर के जगाया. वहां कहते हैं वो परमेश्वर के पास गया. आमीन. यहां वचन में कहते चलो ने यीशु को जगाया. आमीन. मैं कहना चाहूंगा वहां मूसा भी क्या करते परमेश्वर को जगा रहे परमेश्वर मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं. आमीन.
मैं अभी एक जहां पर एक मकाम में आकर रुक चुका हूं, अब मैं क्या करूं? आमीन। और वहां परमेश्वर से क्या कहते हैं, मूसा तू आगे बढ़। आमीन। तेरे हाथ में एक लाठी है, उसको तू आगे की ओर बढ़ा, और लोगों को भी बोल तू आगे बढ़। आमीन। क्या आज से हम अपने जीवन में जब रास्ता रुक जाता है, आगे क्या करना है समझ में नहीं आता है, आमीन, आगे जब पूरा लाल समुंदर है और पीछे पूरा शत्रु का सेना है, तो क्या हम परमेश्वर को जगा सकते हैं हमारे जीवन में? आमीन। हम परमेश्वर को पूछ सकते हैं क्या, परमेश्वर अब मैं क्या करूं? आमीन। हालेलुया। वहां दो व्यक्तियों को बताते हैं, आमीन, एक कुड़कुड़ाने वाले प्रजा को बताते हैं और एक परमेश्वर से पूछने वाला परमेश्वर के भक्त को बताता है। हम कौन है? हम प्रजा है या भक्त है? आमीन। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के भक्त हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा जीवन के जब संघर्ष आता है, हमें परमेश्वर को पूछना चाहिए, परमेश्वर मैं क्या करूं? आमीन। हालेलुया। मेरे सामने रास्ता बंद है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहां बैठ के मैं कुड़कुड़ाने वाला नहीं है। आमीन। हालेलुया। बाकी सारे लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। हो सकते मेरे परिवार के हर एक व्यक्ति कुड़कुड़ाए, हो सकते कलीसिया के दूसरे विश्वासी कुड़कुड़ाए, लेकिन मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। आमीन। मैं धैर्य को बांधे रखूंगा, मैं उम्मीद को बांधे रखूंगा, मैं तेरी ओर नजर उठाऊंगा। आज जैसा सुबह हालेलुया भजन संहिता गाया, मेरी मदद के लिए मैं क्या करेगा? कुड़कुड़ाने से मदद नहीं आएगा। आमीन। बक बक करने से मदद नहीं आएगा। मदद कब आएगा? जब तेरी ओर मैं नजर उठाऊंगा। आमीन। हम में से कितना लोग बोलेगा, परमेश्वर मैं तेरी ओर नजर उठाऊंगा, तू मुझे लिए रास्ता खोलेगा। आमीन। हालेलुया। उसके बाद हम क्या देखते हैं? आमीन। हालेलुया। वो लोग लाल समुद्र को पार करता है। आमीन। लाल समुद्र को पार किया तो वचन में कहते हैं, आमीन, वो लोग ने नाचा गाया, परमेश्वर की आराधना किया, स्तुति किया। आमीन। लगा अभी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इतना बड़ा लाल समुद्र को क्या किया परमेश्वर ने? दो भाग कर दिया। केवल दो भाग किया वो ही नहीं, शत्रुओं को डुबा दिया। आमीन। अब तो किस चीज का डर? आमीन। अब फरो भी नहीं रहा, ना उसका सेना रहा। आमीन। पर वचन में कहते तीन दिन के बाद दूसरा समस्या आया। वो समस्या क्या था? पानी है लेकिन कड़वा है। मसीह जीवन में जब हम आगे बढ़ते, कुछ कड़वापन हमारा जीवन में आता है, कुछ चीजों को हम ले नहीं पाता है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन में हम रहता है, आमीन, उसको हम सामना नहीं कर पाता है। बहुत सारे बोलते हैं ऑफिस में पॉलिटिक्स होता है, घर के अंदर पॉलिटिक्स होता है, काफी सारी चीजें होता है, और वो विश्वासी कभी कभी ले नहीं पाते, कड़वापन आता है। तो जब कड़वापन आता है तो क्या करते? कुड़कुड़ाते। आमीन। हालेलुया। वहां वचन में लिखते हो कुड़कुड़ाया। आमीन। हालेलुया। लेकिन मूसा के बारे में कहते हो कुड़कुड़ाया नहीं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने ये नहीं बोला परमेश्वर क्या है, कड़वा पानी है। आमीन। हालेलुया। क्या मेरे जीवन में कड़वापन डालने के लिए तूने विश्वास जीवन में ले आया? आमीन। क्या मेरे जीवन में कड़वापन डालने के लिए तूने बंधन से, आमीन, जो हाल स्लेवरी था, जो गुलामी था, गुलामी से बाहर क्यों निकाला? जीवन में कड़वापन रहे। आमीन। हालेलुया। उसने परमेश्वर को सवाल नहीं पूछा। आमीन। हालेलुया। उसने उपाय पूछा। आमीन। हालेलुया। भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर से उपाय पूछना चाहिए, सवाल नहीं पूछना चाहिए। आमीन। हम में से कितना लोग आज उपाय पूछने को तैयार है परमेश्वर से? आमीन। परमेश्वर मैं करूं क्या, मेरे जीवन में कड़वापन आया हुआ है। आमीन। हालेलुया। मैं इसे अंदर ले नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। हमें मसीह जीवन में एडजस्टमेंट जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है। आमीन। हमें समझौता के साथ जाने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कहते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शत्रु का सामना कर। आमीन। उसे लड़, वो भाग जाएगा बोला है। उसके समझौता या एग्रीमेंट करने के लिए नहीं बोला है। हम क्यों समझौता करने का? हमें परमेश्वर से उपाय पूछने का। आमीन। परमेश्वर, कड़वापन को मैं कैसे बाहर निकालूं, इधर मैं क्या करूं? हालेलुया। जब मूसा ने पूछा तो वहां उसको उत्तर दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में वो कहते हैं, वहां उसको एक झाड़ी बताया, बोला वो झाड़ी, उसमें डाल पानी में, वो मीठा होगा। आमीन। यहां चेलों ने क्या किया? यीशु को जगाया। आमीन। जब यीशु को जगाया, आमीन, उसके जीवन में हालेलुया शांति आया। मसीह जीवन में ऐसा नहीं है कि यीशु ने बोला उस पार चलते तो नाव को खोल दिया और चलते रहो ना। आमीन। चलते रहने के साथ साथ यीशु के साथ चलना है, यीशु से बातें करके चलना है, यीशु को हर एक में, हालेलुया, इनवाइट करते हुए हर एक में उसको हिस्सेदार बना के चलना है। आमीन। ऐसा नहीं यीशु ने कहा तो हम चले जाए, ना, उसके साथ चलना है। आमीन। हालेलुया। उसके साथ हमें चलना है। आमीन। उसके साथ हाथ पकड़ के चलना है।
आमीन हालेलुया. हमें अपने हिसाब से नहीं चलना है, यीशु के हिसाब से चलना है. आमीन हालेलुया. आज हमें भी क्या करना है, हमारे जीवन की चुनौतियों के बीच में, हालेलुया, हमारे जीवन के संघर्ष के बीच में हमें यीशु को जरा जगाना है. वचन में कहते 3.5 साल हालेलुया चेले यीशु के साथ चले. आमीन. और एक चुनौती में सारे के सारे भाग गए. आमीन हालेलुया. यीशु के साथ चलने वाला चेलों में से एक चेले ने, आमीन, कुछ सिक्कों के लिए यीशु को पकड़वाया. आमीन. साथ चलने से नहीं होता है, एक संबंध बनाकर रखना है. आमीन हालेलुया. केवल विश्वासी विश्वासी बोल के जीने से नहीं होता है. आमीन हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हमें उसके साथ एक रिश्ता होना चाहिए. वो रिश्ता क्या कहते हैं, अब्बा पिता. हम में से कितना लोग विश्वास करते हैं मेरा एक पिता है. आमीन. मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे व्याकुल होने का जरूरत नहीं है. आमीन. आंधी तूफान को देख के डरने की जरूरत नहीं है. जब मेरे जीवन में कड़वापन आता है मुझे कुटकुड़ाने की जरूरत नहीं है. जब मेरे जीवन में जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, द्वार बंद हो जाते हैं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है. मुझे अब्बा पिता को बुलाना है. आमीन हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. नया नियम में हम क्या देखते हैं, आमीन हालेलुया, पौलुस को सीलास को कहां डाला कहते हैं, बंदी गृह में डाला कहता है. आमीन हालेलुया. ये बंदी गृह एक चुनौती है. आमीन हालेलुया. आमीन हालेलुया. एक बार वो वचन जरा पढ़िए. आमीन हालेलुया. प्रेरितों की किताब 16 का अब जरा उसका 25वां वचन जरा पढ़िए. 16 का 25. बस आमीन. यहां लिखते आधी रात को. आमीन हालेलुया. आधी रात को पौलुस और सीलास क्या कर रहे थे, भजन गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे. उनकी अवस्था कैसा है, बंदी गृह में डाला है. लेकिन आधी रात को, आमीन हालेलुया, आधी रात को वो भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे. आमीन. वो यीशु को जगा रहे थे. आमीन हालेलुया. भाइयों बहनों हमारे जीवन में भी हालेलुया एक आधी रात होना चाहिए. आमीन हालेलुया. सोने वाली आधी रात नहीं, जागने वाला. आमीन हालेलुया. और जगाने वाला. आमीन हालेलुया. काफी बार हम जागते रहता है, जगाता नहीं है. रात भर सोएगा नहीं, टेंशन के साथ घूमेगा. आमीन. कमरे में इधर उधर भटकते रहेगा. आमीन. बिस्तर में पड़े पड़े सोचते रहेगा, हिसाब करते रहेगा. आमीन हालेलुया. इधर से उधर करवटे बदलते रहेंगे. आमीन हालेलुया. हम सोएंगे नहीं पर जगाते भी नहीं है. आमीन. लेकिन वचन में लिखते हैं, आमीन हालेलुया, पौलुस और सीलास ने पूरा मार्ग आया हुआ था, थका हुआ था. आमीन हालेलुया. बदन में उनके जख्म थे, घाव थे. आमीन. लेकिन उनके बावजूद, हालेलुया, आधी रात को, आमीन, उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने भजन गाया. आमीन. उन्होंने यीशु को बुलाया. आमीन. अपने विषय में उन्होंने किसको बुलाया, यीशु को बुलाया. आमीन हालेलुया. और वचन में लिखते हैं, हालेलुया, जब उन्होंने यीशु को बुलाया, आमीन, वहां उसका 26 जरा पढ़िए. प्रेरितों का किताब 16 का. बस आमीन हालेलुया. जब उन्होंने यीशु को बुलाया, आमीन, वचन क्या कहते हैं, एक भूकंप आया. आमीन हालेलुया. भूकंप हमेशा नाश करता है. आमीन. भूकंप क्या करता है, सबको गिरा देता है. आमीन. दीवारों को गिरा देता है, महलों को गिरा देते हैं, बिल्डिंगों को गिरा देते हैं. आमीन हालेलुया. सबको गिरा देता है. लेकिन जब यीशु तुम्हारा जीवन में भूकंप लाता है, आमीन, तुम्हें कुछ नहीं होते, तुम्हारे बंधन खुल जाता है. आमीन. बंदी गृह के नींव हिल गया. आमीन. लेकिन दीवार नहीं हिल गिरा. ऐसे हो सकता है कोई मकान या कोई बड़ा महल है, उसका नींव हिल जाए और दीवार ना गिरे. आमीन हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. शत्रु का नींव हिलेगा. आमीन हालेलुया. जब तू यीशु को पुकारेगा, आमीन, यीशु को अपने विषय में बुलाएगा, शत्रु का नींव हिलेगा, तेरा नींव हिलेगा नहीं. आमीन. तू मजबूती के साथ खड़ा रहेगा लेकिन शत्रु का नींव हिल जाएगा. आमीन हालेलुया. जब शत्रु का नींव हिलेगा, आमीन, तेरे बंधन खुलेगा, तेरे सामने जो बंद दरवाजा है वो खुलेगा. आमीन.
इन दिनों में हमें क्या करना है? आमीन, हालेलुया, यीशु को जगाना है। आमीन, यीशु ने क्या बोल के हमें बुलाया? चलो उस पार चलते, झील के उस पार चलता है। आमीन, हालेलुया, एक अनंत जीवन की ओर उसने हमें बुलाया है। आमीन, हालेलुया, जब अनंत जीवन की ओर हम जाता है, रास्ते में हमें तकलीफें आएंगे, रुकावट आएंगे, आमीन, हालेलुया, समस्या आएंगे, चुनौती आएंगे, लेकिन हर एक चुनौती में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे अनाद नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। आमीन, लेकिन वो वचन हमारे कानों तक नहीं आता है। आमीन, कि तू अनाथ नहीं है। आमीन, तेरा एक पिता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आइए उस वचन में जरा लौट आइए। आमीन, हालेलुया, लूका लिखा 8 का, आमीन, हालेलुया, 25 जरा पढ़िए। आमीन, हालेलुया, आमीन, यीशु चेलों को पूछ रहे, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आमीन, तुम किस प्रकार मुझसे पूछते हो? आमीन, हालेलुया, यदि मैं तुम्हारे जीवन में आया है, आमीन, यदि मैं तुम्हें उस पार ले जाने के लिए आया है, तो तुम नाश होने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया, चेलों ने यीशु को बुलाते हुए क्या कहा? आमीन, जरा ऊपर से जरा 24 जरा पढ़ के सहायता करना। आमीन, हालेलुया, उन्होंने पास आके यीशु को बुला के क्या बोला? स्वामी स्वामी हम नाश हो रहे हैं। आमीन, यीशु ने तुरंत, हालेलुया, जिस चुनौती का, जिस चैलेंज का, आमीन, जिस समस्या का सामना कर रहा था, उसको शांत किया। आमीन, हालेलुया, भाइयों बहनों, हमें सिर्फ यीशु को जगाना है। इन्होंने बोला नहीं आंधी तूफान मुझे डरा रहा है, इन्होंने ये नहीं कहा आंधी तूफान मुझे डुबा रहा है, उन्होंने सिर्फ यीशु को जगा के कहा, क्या कहा? हम नाश हो रहे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, नाश हो रहे, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, हालेलुया, कहते परमेश्वर मुझे नाश नहीं होना है, परमेश्वर मुझे नाश नहीं होना है। हम में से कितना लोग जो नाश होना चाहता है? आमीन, सिमसोन ने इस प्रकार कहा, हालेलुया, परमेश्वर फिर से मुझे शक्ति और बल दे, क्योंकि मैं नाश नहीं होना चाहता, मैं गिर गया, आमीन, मेरे जीवन में पाप आया, आमीन, हालेलुया, मैं तुझसे दूर हो गया, लेकिन मैं नाश नहीं होना चाहता। आमीन, मैं जानता हूं परमेश्वर अब भी, आमीन, तू मेरे जीवन में कार्य कर सकता है। आमीन, हम में से कितना लोग विश्वास करते हैं अब भी मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर सकता है। आमीन, हालेलुया, मुझे नाश होने की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया, अब भी वो मेरे जीवन में कार्य कर सकता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसने मेरे सारे पापों के लिए, आमीन, हालेलुया, सारे व्याकुलता के लिए, आमीन, हालेलुया, सारे अपराध के लिए उसने सजा ले लिया है, वो अब भी मेरे जीवन में कुछ चीज कर सकता है। आमीन, मुझे नाश होने की जरूरत नहीं है। उड़ाओ पुत्र आके कहते हैं, आमीन, हालेलुया, मुझे नाश नहीं होना है। उड़ाओ पुत्र क्या कहते हैं? मुझे नाश नहीं होना है, मैं पिता के घर में लौट के जाऊंगा। आमीन, यदि मैं यहां पड़ा रहा तो नाश होगा, मुझे खाने के लिए नहीं है। आमीन, मैं भूखा मर जाऊंगा। आमीन, हालेलुया, यदि मैं पिता के घर में जाऊंगा मैं नाश नहीं होऊंगा। हम में से कितना लोग आज करने को कहने को तेरे, परमेश्वर मुझे नाश नहीं होना है। आमीन, परमेश्वर मुझे नाश नहीं होना है, यदि मुझे नाश नहीं होना है तो क्या करना है? परमेश्वर तुझे कुछ करना है। आमीन, हालेलुया, मैं कुछ नहीं कर सकता। आमीन, मैं इस बंधन से, इस अवस्था से मैं बाहर नहीं निकल सकता। आमीन, हालेलुया, मैं लाचार हूं, मैं बेबस हूं, लेकिन तू परमेश्वर बेबस नहीं है, तू लाचार नहीं है। आमीन, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार कहते हैं, यीशु दो कुरकर्मियों के बीच में था। आमीन, हालेलुया, यीशु के हाथ में खिले मारे हुए थे। आमीन, पैरों में खिले मारे हुए थे। आमीन, हालेलुया, बहुत से कोड़े मारे हुए थे। यीशु इतना थक चुका था, वो क्रूस को उठा नहीं पा रहा था। आमीन, उसके सर पे, हालेलुया, किलों का मुकुट रख दिया था, कांटों का। आमीन, उसके बावजूद एक ने क्या कहा यीशु को? आमीन, एक कुलकर्मी यीशु को इस प्रकार कहा, प्रभु जब तू तेरे राज में आएगा मुझे भी याद करना। आमीन, यीशु ने ये नहीं बोला, नहीं अभी मैं बहुत थका हुआ है, मैं कमजोर है, मैं बेबस है, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? क्या इसने बोला वो सुनाई नहीं दे रहे?
दूसरे ने क्या कहा, दूसरे कुलकर्मी ने कहा, यदि तू प्रभु है तो अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। इसको शक है कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, ये जानता है कि मैं बेबस हूं, ये जानता है कि मैं लाचार है, लेकिन तू कहता है मैं बेबस नहीं है, मैं लाचार नहीं है। हम में से कितना लोग कहेंगे नहीं, मेरे अवस्था में मेरा प्रभु लाचार नहीं है, मेरे अवस्था में मेरा प्रभु बेबस नहीं है, मेरे अवस्था में आज भी वो प्रभुता करता है, आमीन, आज भी वो मेरे जीवन में कार्य कर सकता है, आमीन। उस कुरकर्मी को यीशु ने बोला, आमीन, आज तू मेरे साथ, आमीन। यीशु ने ये नहीं कहा मैं बेबस हूं, यीशु कभी बेबस नहीं है, यीशु कभी लाचार नहीं है, आमीन, हालेलुया। उसने अपने आप को सौंप दिया था, आमीन, सूली पे उसने अपने आप को सौंप दिया था। क्यों सौंप दिया? लाचार था बोल के नहीं, बेबस है बोल के नहीं, क्योंकि उसने मेरे गुनाहों को, तुम्हारे गुनाहों को, सारे संसार के गुनाहों को, जो आने वाले जो बीत चुके सारे के गुनाहों को वो ले रहा था, आमीन, हालेलुया। वो बेबस नहीं है, वो लाचार नहीं है, आमीन। हमें केवल उसे बुलाना है, आमीन, हालेलुया। क्या हम बुला सकता है? क्या हम वो विश्वास रख सकते? नहीं, आज भी यीशु मेरे जीवन में कार्य कर सकते हैं, मेरे जीवन के हर एक आंधी को, मेरे जीवन के हर एक तूफान को, मेरे जीवन के हर एक कड़वापन को, मेरे जीवन के हर एक बंधन को, आमीन, मेरा यीशु खोल सकता है, वो मुझे आजाद कर सकते हैं, वो मुझे स्वतंत्र कर सकता है, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु उनको पूछते, हालेलुया, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आमेन, हालेलुया। वो डर गए थे, आमेन, किससे डर गए थे? अवस्थाओं से, आमेन। हम भी डरते किससे? अवस्थाओं से। और वचन में कहते हैं हमें वीरत्व का आत्मा नहीं, पुत्रत्व का आत्मा दिया है। इन दिनों में हमें पुत्रत्व की आत्मा में आना है। जब पुत्रत्व की आत्मा में आते हैं तो पुत्रत्व का आत्मा क्या कहते हैं? तेरा पिता कौन है? आमेन, तेरा पिता कौन है? आमीन, तेरा पिता कौन है? जब मेरा पिता कौन है, मैं समझ जाता हूँ, हालेलुया, मुझे कोई बंधन नहीं लगता है, आमीन, हालेलुया। कोई भी शक्ति, हालेलुया, बड़ा शक्ति नहीं लगते, मुझे मेरा पिता सबसे बड़ा लगता है, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में, हालेलुया, हमें अगर डर को बाहर निकालना है तो परमेश्वर पर हमारा विश्वास आना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम हमें आना चाहिए, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। काफी बार हमारा विश्वास नहीं होता है, आमीन। यहाँ चेलों का भी वही विषय था, इसके लिए यीशु ने उनको पूछा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आमीन, हालेलुया। यीशु बोलते तुम क्यों सोचते हो तुम नाश होने वाले हो, मैं है ना तुम्हारे साथ, मुझे जगाओ, आमीन, मेरे हाथों में तो सौंप दो, आमीन, मेरे हाथों में सौंपेगा नहीं तो मैं कहां से मल्टीप्लाई करेगा, आमीन, हालेलुया। हो सकते तुम्हारे पास चार रोटी हो, सकते तुम्हारे पास दो रोटी हो सकते तुम्हारे पास जो भी हो, मेरे हाथों में तो दो, मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं उसको बढ़ाता हूँ, आमीन, हालेलुया, मेरे हाथों में तो दो, आमीन, हालेलुया। जब हम अपनी समस्या यीशु के हाथों में देंगे, आमीन, हालेलुया, वो हमें, हालेलुया, वहां उपाय दे आएंगे, आमीन।